इस गांव में शादी से पहले संबंध बनाना है जरूरी, तभी होती है शादी। समाज में लड़कियों का शादी से पहले मां बनना अच्छा नहीं माना जाता और लोग इसे अच्छी नजर से नहीं देखते, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां लड़कियों के मां बनने के बाद ही उनकी शादी करवाई जाती है। चौंक गए ना आप? यह चौंकने वाली बात तो अवश्य है, लेकिन है 100% सत्य। जी हाँ, एक ऐसी जनजाति है गरासिया। गरासिया ट्राइब, जो की मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इस जनजाति के युवा पहले पसंद की लड़की के साथ लिव योजक चिन्ह में रहते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद ही दोनों को शादी के बंधन में बंधने की अनुमति मिलती है। यदि दोनों के लिव योजक चिन्ह में रहने के बावजूद भी बच्चे नहीं हुए तो वे अलग योजक चिन्ह अलग हो जाते हैं। फिर किसी और के साथ लिव योजक चिन्ह में रह बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में गरासिया जनजाति रहती है। इस जनजाति की अनोखी परंपरा आज के मॉडर्न सोसाइटी की लिव योजक चिन्ह से मिलती योजक चिन्ह जुलती है। यहाँ जवान होने के बाद लड़के योजक चिन्ह, लड़कियाँ आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ लिव योजक चिन्ह में रहते हैं। इसके बाद बच्चे पैदा हो जाने पर ये शादी करते हैं। अधिकांश बार बच्चे पैदा होने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के चलते ये शादी को टालते रहते हैं। कई बार 50 या इससे अधिक की उम्र में ये इस रिश्ते को अमली जामा पहनाते हैं। इस दौरान कई बार जवान बेटे और पोते भी इनकी बारात में शामिल होते हैं। अगले स्लाइड में कैसे शुरू हुई यह प्रथा। हाल ही में एक 80 साल के बुजुर्ग पाबुरा ने अपनी 70 वर्षीय लिव योजक चिन्ह टनर रूपली से शादी की है। इस शादी में पाबुरा के पड़पोते तक बारात में शामिल हुए थे। राजस्थान और गुजरात में इस समाज का 2 दिन का विवाह मेला लगता है, जिसमें टीनेजर एक योजक चिन्ह दूसरे से मिलते हैं और भाग जाते हैं। भाग कर वापस आने पर लड़के योजक चिन्ह, लड़कियां बिना शादी के पति योजक चिन्ह पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। इस दौरान सामाजिक सहमति से लड़की वाले को कुछ पैसे लड़के वाले दे देते हैं। हालांकि बच्चे पैदा होने के बाद वे अपनी सहूलियत से कभी भी शादी कर सकते हैं। सालों पहले गरासिया जनजाति के 4 भाई कहीं और जाकर बस गए। इनमें से 3 ने शादी की और एक समाज की कुंवारी लड़की के साथ लिव योजक चिन्ह में रहने लगा। शादीशुदा तीनों भाइयों के कोई औलाद नहीं हुई, बल्कि लिव योजक चिन्ह में रहने वाले भाई के बच्चे हुए और उसी से वंश आगे बढ़ा। बस इसी धारणा ने समाज के लोगों के जेहन में इस परंपरा को जन्म दिया। कहते हैं इन जनजाति में ये ट्रेडिशन 1000 साल पुराना है। राजस्थान और गुजरात में इस समाज का 2 दिन का विवाह मेला लगता है, जिसमें टीनेजर एक योजक चिन्ह दूसरे से मिलते हैं और भाग जाते हैं। भाग कर वापस आने पर लड़के योजक चिन्ह, लड़कियां बिना शादी के पति योजक चिन्ह पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। डेजी घर